Good morning, children. Today I am going to teach you Class 2 Social Study Chapter 5. Class 2 Social Study Chapter 5 Directions. The chapter name is Directions. Direction is the line along which a person or thing moves or looks. Direction यानी एक line है, जिस line से एक person मूव करता है या देख पाता है. हम जिधर भी देखते हैं वो एक एक डायरेक्शन है. लुक एट दोस टू बॉयज, वन इज टर्निंग राइट एंड द अदर इज टर्निंग लेफ्ट. पीछे देखो, पिक्चर में दो बॉयज साइकिल चला रहे हैं, एक राइट के तरफ मुड़ा हुआ है और एक लेफ्ट की तरफ मुड़ा हुआ है. द फॉरवर्ड एरिया इज द फ्रंट. फॉरवर्ड एरिया, उसके आगे वो जो दो बॉयज है उसका आगे जो एरिया है वो है फ्रंट. व्हाट लाइज बिहाइंड इज द बैक. और पीछे का जो एरिया है वो दो लड़के का पीछे का एरिया है बैक. आगे का फॉरवर्ड और आगे का फ्रंट, पीछे का बैक. तो मैं जहां पर बैठा हूं मेरा आगे वाला जो एरिया है वो है फ्रंट और जो पीछे वाला एरिया है वो है बैक. दोस राइट लेफ्ट फ्रंट एंड बैक आर फोर डायरेक्शन. मेनली वी हैव फोर डायरेक्शन. चार तरह का डायरेक्शन होता है, राइट लेफ्ट फ्रंट एंड बैक. राइट इज द अपोजिट ऑफ लेफ्ट. राइट इज द अपोजिट ऑफ लेफ्ट एंड फ्रंट इज द अपोजिट ऑफ बैक. जो हमारा राइट है वो हमारा लेफ्ट का अपोजिट है. इसका अपोजिट राइट है, राइट का अपोजिट लेफ्ट है. उसी तरह फ्रंट का अपोजिट बैक है और बैक का अपोजिट फ्रंट है. देर आर फोर मेन डायरेक्शंस. देर आर फोर मेन डायरेक्शंस. दे आर नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट. तो चार तरह का मेन डायरेक्शन है, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट. दस फोर डायरेक्शन नेवर चेंज. ये जो चार डायरेक्शन है ये कभी चेंज नहीं होगा. तो चार तरह का डायरेक्शन है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट. नॉर्थ साउथ East and West. We give you a very easy method to know those direction. अभी एक मैं easy method बताऊंगा. Direction हमें जानने के लिए मैं एक easy method बनाऊंगा जिससे आप लोग direction आसानी से जान सकते हो. Get up in the morning, stand with your face towards the rising sun. Okay? सुबह सुबह उठो और जहां जिस डायरेक्शन से सूरज उगता है उस डायरेक्शन में अपना फेस करके खड़ा हो जाओ. यानी कि फॉर एग्जांपल आगे से फ्रंट से अगर सूरज उग रहा है तो उधर अपना फेस करके खड़े हो जाओ. स्ट्रेच योर आर्म्स और अपना आर्म्स उठाओ, दोनों हाथ ऊपर उठाओ. ठीक है. Now your face towards is towards the east. जिस तरफ से सूरज उग रहा है वो है ईस्ट. यानी कि आपका फेस जिस तरफ है वो है ईस्ट. किस तरफ है फेस? सूरज जिस तरफ से उग रहा है. ठीक है, तो वो है हमारा ईस्ट. On your back in the west. और पीछे का एरिया वो जो डायरेक्शन है उसे हम बोलते हैं वेस्ट. ठीक है, सूरज जहां से जिस तरफ से उठता है वहां पर खड़े हो जाएंगे. हमारा फेस सूरज की तरफ होगा, हाथ ऊपर कर देंगे दोनों हाथ. हमारा फेस जिस तरफ रहेगा वो है ईस्ट और पीछे का हिस्से जो डायरेक्शन है वो है वेस्ट. टू योर लेफ्ट इज द नॉर्थ. और जो लेफ्ट हैंड जिस तरफ होगा वो डायरेक्शन है नॉर्थ. टू योर राइट इज द साउथ. और आपका राइट हैंड जिस तरफ होगा वो है साउथ. ठीक है.
The sun always rises in the east and rises in the morning. जो सूरज होता है वो हर वक्त ईस्ट से ही निकलता है और सुबह सुबह निकलता है. द सन ऑलवेज सेट्स इन द वेस्ट, इट सेट्स इन द इवनिंग. और सूरज हर वक्त जब डूब जाता है कौन से डायरेक्शन में? वेस्ट में. ईस्ट में उठता है और वेस्ट में डूब जाता है. उठता है सुबह, डूबता है शाम को. Here is another method to know the main direction. और भी कई सारे method है, और भी एक method है direction जानने के लिए. Stand with your right hand towards the rising sun. जिस तरफ से सूरज उगता है उस तरफ अपना right hand खड़ा कर दो. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सूरज इस तरफ से तो उस तरफ अपना राइट हैंड ऊंचा कर दो. टू योर राइट इट इज द ईस्ट. तो जिस तरफ से सन उठाए यानी कि हमारा राइट हैंड जिस तरफ है वो है ईस्ट. टू योर लेफ्ट इट इज द वेस्ट. और जो हमारा लेफ्ट हैंड जिस तरफ होगा वो है वेस्ट. द योर फेस इज टुवर्ड्स द नॉर्थ. और हमारा फेस जिस तरफ होगा वो है नॉर्थ. Your back is towards the south. और हमारा पीछे का हिस्सा बैक जिस तरफ होगा वो है south. समझ में आया? जिस तरफ से सूरज उगता है वो है east. जिस तरफ डूब जाता है वो है west. And आपका जो left hand जिस तरफ होगा वो है north. और right hand जिस तरफ होगा वो है south. Those you know the four main direction. इस तरह से हम four direction के बारे में पता चलता है. North, South, East and West. North, South, East and West के बारे में इस तरह हमें पता चलता है कौन सा दिशा है या फिर ये कौन सा direction है. With their help, we can find four other directions. यही four directions के वजह से हम और भी डायरेक्शन का पता चलता है. दे आर कॉल्ड सब डायरेक्शंस. मेनली देर आर फोर डायरेक्शन. चार प्रकार के डायरेक्शन होता है. ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. ये चार डायरेक्शन पता चलने के बाद इसके मदद से और भी कई सारे डायरेक्शन हमें पता चलता है. इसे कहा जाता है सब डायरेक्शन. Look at the following diagram. पीछे डायग्राम है, एक देखो. ऊपर है नॉर्थ, नीचे साउथ, मेरा लेफ्ट में वेस्ट है और राइट में ईस्ट है कि नहीं? Halfway between north and east is northeast. तो देखो ऊपर नॉर्थ है और राइट में ईस्ट है. जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो प्लेस है वो कौन सा डायरेक्शन है उसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट. नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है नॉर्थ ईस्ट. हाफवे बिटवीन नॉर्थ एंड वेस्ट. नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो डायरेक्शन है उसको हम बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट. हाफवे बिटवीन साउथ एंड ईस्ट इज साउथ ईस्ट. साउथ और ईस्ट के बीच में जितना प्लेस है जो डायरेक्शन है वो है साउथ ईस्ट. देन हाफवे बिटवीन साउथ एंड वेस्ट इज साउथ वेस्ट. और साउथ और वेस्ट के बीच में जो डायरेक्शन है वो है साउथ वेस्ट. और एक बार बता रहा हूं, देखो नॉर्थ और ईस्ट. ऊपर देखो वहां पर डायग्राम में है नॉर्थ, इधर ईस्ट. तो उसके बीच में जो डायरेक्शन है उसको कहा जाता है नॉर्थ ईस्ट. और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है उसको कहा जाता है नॉर्थ वेस्ट. देन साउथ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन है उसे कहा जाता है साउथ ईस्ट. देन साउथ और वेस्ट के बीच में जो डायरेक्शन है उसे कहा जाता है साउथ वेस्ट. नाउ
लुक एट द मैप ऑफ इंडिया, इंडिया का मैप देखो। कश्मीर इज इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया, नॉर्थ में है कश्मीर। कश्मीर कहां पे है? सबसे ऊपर। इंडिया का मैप है, सबसे ऊपर जो ग्रीन कलर है वो है जम्मू एंड कश्मीर। कश्मीर वो है नॉर्थ, ठीक है, हमारा इंडिया का नॉर्थ। केरला इज इन द साउथ ऑफ इंडिया, और केरला नीचे है इंडिया मैप का, पूरा नीचे है केरला जो कि साउथ है। इंडिया का मैप देखो, ऊपर कश्मीर नॉर्थ में है, नीचे साउथ केरला, ठीक है। नागालैंड इज इन द ईस्ट ऑफ इंडिया, और नागालैंड ईस्ट में है नागालैंड। गुजरात इज इन द वेस्ट ऑफ इंडिया, और वेस्ट में है गुजरात, ठीक है। याद रखो इंडिया मैप, ऊपर है जम्मू और कश्मीर, वो है नॉर्थ डायरेक्शन, नीचे है केरला जो कि है साउथ डायरेक्शन, और मेरे लेफ्ट में यानी कि तुम्हारे राइट में है गुजरात जो कि है वेस्ट में, और मेरे राइट में तुम्हारे लेफ्ट में और मेरे राइट में जो कि है नागालैंड, वो है कौन से डायरेक्शन में? ईस्ट में, ठीक है।